हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे दो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। आईटी कंपनी है, जैसे आपको पता ही होगा आईटी कंपनी अभी के टाइम क्या हो रहा है, अभी के टाइम बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट का प्रेशर की वजह से और उसके साथ ही साथ रिजल्ट बुरी आने की वजह से कुछ कंपनी ऐसी है जो कि थोड़ा बहुत रिजल्ट बुरी आई है, लेकिन इतनी जोरदार गिरावट हो रहा है। लाइक इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस के अंदर देख सकते हैं आप, जिस दिन रिजल्ट आया था इन्फोसिस का, तो उसके बाद आपको पता ही होगा 10-12% सीधा गिर गया था। ठीक है, तो आईटी स्टॉक अभी के टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में चल रही है, लेकिन ये दो स्मॉल कैप आईटी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर को। सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत ही कमाल का देखने को मिल रही है। ठीक है, मैंने रिजल्ट पढ़ा है, तो रिजल्ट कैसे रहा है, मार्केट ने उसको वेलकम किया है। सिर्फ वेलकम नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा एक एक करके, देख सकते हैं आप। 1 महीने के चार्ट में आपको 40% रिटर्न देखने को मिलेगा, 5 दिन में आप देख सकते हैं लगभग 6% डाउन। ठीक है, 6 महीने में कितना, 28%, और 1 साल की कितना, लगभग 45%। जैसे मैंने कहा, ये एक नया कंपनी है तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल है ही नहीं इसका। तो 2022 सितंबर में लिस्टिंग हुआ था इस कंपनी का 422 रुपये में आसपास, तो अभी के टाइम कितना चलिए, 600 रुपये के आसपास। तो ठीक ठाक है, नया कंपनी है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मुझे तो नज़र आता है। चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, मैं इस कंपनी का फंडामेंटल के ऊपर आ गया हूँ। अब देख सकते हैं काम क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। ठीक है, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो कंपनी कहाँ कहाँ पे आईटी प्रोवाइड करती है, तो आप देख सकते हैं रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, इसके साथ ही साथ टेलीकॉम, ठीक है, हेल्थ केयर, इन सभी सेक्टर के अंदर आईटी प्रोवाइड होती है ना, ये कंपनी आईटी प्रोवाइड करती है सिर्फ इन सभी सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसका और भी डेटा। रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लेते हैं 2022 के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं सर्विस से कितना आता है, 94%, और प्रोडक्ट एंड कस्टमाइजेशन 6%। ठीक है, तो इसके बाद भी देख सकते हैं मोबाइल ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के 14%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 11%, सेल्स फोर्स के अंदर से 40%, ऑटोमेशन के अंदर 5%, बिग डेटा के अंदर भी 16%, और जावा एंड माइक्रो सर्विस के अंदर भी 15% का मतलब रेवेन्यू आता है इस कंपनी में। तो जियोग्राफिकली स्प्लिट की बात कर लेते हैं, तो इंडिया से कितना आता है, 26%, यूरोप से आता है 9%, नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज़्यादा 60% रेवेन्यू आता है, और ऑस्ट्रेलिया से भी थोड़ा बोले तो 2%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोले तो पूरी वर्ल्ड से 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी का। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिए इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे पहले ROCE देख लीजिए आप, 170%, और ROE कितना है, 128%। तो इतने छोटे कंपनी होने के बाद भी ROCE और ROE बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है मुझे। ठीक है, तो मार्केट कैप देख सकते हैं आप, 133 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी कितना है, 32, उस हिसाब से अभी के टाइम इस स्टॉक का पी सिर्फ 30 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितना, 10, और डिविडेंड भी देती है ये कंपनी, 2.5% का डिविडेंड यील्ड भी है। डेट देखिए, इतने छोटी कंपनी होने के बाद भी डेट टू मैंने डेट कुछ भी है ही नहीं, 0, और डेट टू इक्विटी का कुछ नाम नहीं रहेगा। सेल्स देख सकते हैं 70%, प्रॉफिट भी है 63% का प्रॉफिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट कितना है, लगभग 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, नेट कैश फ्लो है। उसके साथ ही साथ रिजर्व्स देखिए, इतना छोटा कंपनी में भी 10 करोड़ का रिजर्व्स है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश कितना है, 8 करोड़ का। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है जो कि 60% के आसपास, ब्लेजिंग उनमें से कुछ भी नहीं है, 0। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर की कितना, लगभग 86%। उसके साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर की 234%। पे रेशो कितना है, 0.13%। करेंट रेशो देख लीजिए, 3% से भी ऊपर। ROE देख लीजिए, 119% का ROE है, वो भी 5 साल एवरेज, और ROCE की बात करें तो 158% 5 ईयर एवरेज। OPM देख लीजिए, 42% का OPM प्रोवाइड कर रही है कंपनी। ठीक है, तो कम नहीं होता है 42%। तो इसके बाद देख लीजिए PNL, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको देखने को मिलेगा 2020 से ही, क्योंकि इससे पहले जो मतलब सेल्स हुआ करता था वो खर्चे में ही निकल जाता था, कोई भी प्रॉफिट नहीं आता था। ठीक है, तो 2020 में 8 करोड़ का सेल्स हुआ है, एक्सपेंस 7, तो 1 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। तो इसके बाद देख लीजिए 2021 के डेटा, 24 करोड़ का सेल्स है, 13 करोड़ कितना हो गया एक्सपेंस हो गया, 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसके बाद सीधा 19 करोड़ और 33 करोड़, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप है, 8 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं आप, 13, 45, 42, 42, तो अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में चल रही है अभी के टाइम कंपनी। तो इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है ना, वो भी बहुत ही बेहतरीन नज़र आया है। तो आप देख सकते हैं 2022 मार्च के डेटा के हिसाब से कितना नेट प्रॉफिट था, 4 करोड़, उसमें अभी के टाइम बढ़ के कितना हो गया सीधा 7 करोड़, और Q1 बेसिस पे भी दिसंबर में कितना था सिर्फ 6 करोड़, अभी के टाइम बढ़ के 7 करोड़। इतने छोटे कंपनी होने के बाद भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, तो इसके बाद भी देख सकते हैं आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख लीजिए कैसा चल रही है। तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर कितना, 87%, 3 साल में कितना, 112%, 1 साल में 70%।
कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 3 डिजिट पे है दोनों ही। 5 ईयर कितना, 234%, 3 साल में 234 और 1 साल में 63%। CAGR ज़्यादा अवेलेबल होगा नहीं क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है, मैंने जैसे बताया 1 साल में 73% स्टॉक प्राइस CAGR है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 3 डिजिट में तीनों ही प्रोवाइड कर रही है, 5 साल, 3 साल और 1 साल। 5 साल में कितना, 119%, 3 साल में कितना, 119% और 1 साल में 128%। बोले तो सेल्स भी अच्छा खासा चल रही है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी हो रहा है कंपनी का, और उसके साथ ही साथ इन्वेस्टर का जो पुराना इन्वेस्टर है उसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड कर रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ठीक है, इसके बाद देख लीजिए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स देख लीजिए 11 करोड़, और बोरिंग तो कुछ होगा नहीं, इससे पहले भी बोरिंग कुछ लिया ही नहीं था, मतलब लोन लेने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं कंपनी का। ठीक है, इतनी बढ़िया स्ट्रांग है कंपनी का जो फंडामेंटल है वो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं आप, प्रोमोटर के पास कितना है, 58.94% और FI के पास है 0.16%। बोलो तो इतना छोटा कंपनी है फिर भी FI इसमें इंटरेस्टेड दिखा रहा है, यही बड़ी बात होती है। और बाकी 40% पब्लिक के पास मौजूद है, तो अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में चल रही है कंपनी। तो और एक पैराग्राफ दिखाऊंगा आपको, पेयर कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगा सेक्टर कौन सा है, IT सॉफ्टवेयर, और इंडस्ट्री क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम एंड सॉफ्ट। तो छोटा कंपनी है, देख सकते हैं 8 नंबर में पोजीशन होल्ड कर रही है अभी। ठीक है, तो केशव इंडिया लिमिटेड यह कंपनी का नाम है। अब देख लीजिए OPM, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 42%। इसको बीट सिर्फ एक ही कंपनी करते हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी ऐसे कंपनी नहीं है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसको बीट कर पाए। तो ROC की बात करें तो आप देख सकते हैं 170%। ठीक है, तो 170% कोई भी इसके आसपास भी नहीं है, तो इतना बढ़िया ROC दिखा रहा है। तो ROE की भी बात करें तो 127%, तो 127% के आगे आप देख सकते हैं कोई भी ऐसे कंपनी नहीं है जो कि इसको बीट कर पाए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। डेट भी देख सकते हैं इस कंपनी में, तो 0 डेट है, कोई भी डेट है ही नहीं। तो सभी कंपनी में थोड़ा बहुत डेट है लेकिन इस कंपनी में कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है कंपनी के बारे में जान के। ठीक है, इस कंपनी को अभी नीचे आने दीजिए थोड़ा बहुत, बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, अभी नीचे जब आएगा ना, करेक्शन जब दिखाएगा 20%, 25%, तब इसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। एनीवे, तो चलिए हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे कौन कंपनी है, ये देखिए सैक सॉफ्ट लिमिटेड, यह कंपनी का नाम 190 रुपये के आसपास, बोलो तो 200 रुपये के आसपास चल रही है अभी के टाइम। ठीक है, 6-7% डाउन चल रही है, कल के दिन भी बहुत ही तेज़ी से गिर गया था, सीधा 10% का लोअर सेट के लग गया है। तो जितना ज़्यादा भागेगा कंपनी, ठीक है, छोटा कंपनी है ना, जितना ज़्यादा भागेगा उतना ज़्यादा गिरेगा भी। ठीक है, ये मेंटेलिटी आपको समझना चाहिए। तो इसके बाद देख लीजिए 1 महीने में कितना, 40% रिटर्न दिया है, 6 महीने में कितना, 90%, 1 साल में सीधा पैसा डबल, 140% का रिटर्न बना कर दिया है। देख सकते हैं आप 5 साल में कितना, लगभग 721% का रिटर्न बना कर दिया है। और मैक्सिमम बात करूँ तो मैक्सिमम कहाँ से, 2005 में लिस्टिंग हुआ था इसको, तो 12 रुपये में लिस्टिंग हुआ था, 12 का शेयर अभी कितना बन गया है, 200 ही पकड़ लीजिए, 200 रुपये में अभी चल रही है। तो सीधा सीधा 1500% का रिटर्न बना कर दिया है, अभी के टाइम तो बहुत ही टॉप लेवल पे जाके बैठ गया है। तो इस टाइम पे इसको खरीदना नहीं, तो इसको सिर्फ वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, जब इस कंपनी में करेक्शन आएगा तब इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। करेक्शन बोलो तो सिर्फ 10% 15% नहीं, ये बहुत ही छोटा कंपनी है, देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है पिछले से, तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी स्मॉल कैप कंपनी है। इसके ऊपर आपको ज़रूर 25% 30% का गिरावट देखना ही चाहिए, उसके बाद ही विचार करेंगे। ठीक है, तो इसका भी फंडामेंटल देख लेते, चलिए देख लेते इसका फंडामेंटल कैसा है। तो मैं आ गया हूँ इसका फंडामेंटल के ऊपर। अब देख सकते हैं ये भी एक IT कंपनी है, IT प्रोवाइड करती है। तो कहाँ कहाँ पे IT प्रोवाइड करती है, तो ये देखिए 1 फिनटेक, 2 रिटेल एंड ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो 3रे नंबर पे क्या है, टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी का जो मतलब प्रेजेंट है, बहुत ही बेहतरीन मुझे तो नज़र आता है, कहाँ कहाँ पे काम काज करती है मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद भी देख सकते हैं बाहर की दुनिया में भी ये कंपनी काम करते हैं, बाहर की दुनिया बोलो तो इंडिया के बाहर, UK USA से मतलब रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है, अब देख सकते हैं इसका भी रेवेन्यू कहाँ से कहाँ से आता है, ज़्यादातर फिनटेक से 27% आता है, टेलीकम्युनिकेशन से 23%, अदर्स बोलो तो अदर्स से 20% आता है, और ट्रांसपोर्टेंस और लॉजिस्टिक्स से 9%, और रिटेल एंड हेल्थ केयर से कितना, 11%, और पब्लिक सेक्टर से 10% रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। ठीक है, तो इसके बाद देख सकते हैं आप इसका मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी कितना है, 28, तो इंडस्ट्री पी कितना है, 32। इंडस्ट्री पी के हिसाब से अभी के टाइम सस्ते दामों पर मिल रही है। ठीक है, तो ROC कितना है, 26%, और ROE 22%, बुक वैल्यू 32 रुपये, डिविडेंड भी देती है थोड़ा बहुत 0.28%, फेस वैल्यू भी 1 का देखने को मिला है। बोले तो ये कंपनी ऑलरेडी स्प्लिट हो गया है। तो डेट देखिए, समथिंग डेट भी है, 19 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, 0.06%।
ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 42%, प्रॉफिट ग्रोथ है 28%, नेट प्रॉफिट कितना है 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और नेट कैश फ्लो भी है अच्छा खासा 5 करोड़ के आसपास कैश फ्लो है। इसके साथ ही साथ रिजर्व्स देखिए बहुत ही बेहतरीन रिजर्व्स है 336 करोड़ का, तो इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद भी रिजर्व्स अच्छा खासा मेंटेन कर रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देख भी सकते हैं 120 करोड़ का नेट कैश है। तो प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 68% का प्रोमोटर होल्डिंग है, उनमें से प्लेसिंग जीरो, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, एक अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर की 13%, लास्ट 5 ईयर की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वह 30%, पेग रेशो लगभग 1% के आसपास, करंट रेशो देख सकते हैं 2.5%, आरओई की बात करें तो 5 साल में कितना 20% और आरओसी की बात करें तो 25%, ओपीएम कितना है 15% का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है, अच्छा खासा ग्रोइंग चल रही है। देख सकते हैं इसका जो पीएनएल है, पीएनएल के ऊपर हम आ जाते हैं, 2011 में सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था 11 करोड़, तो नेट प्रॉफिट में कितना आया था 5 करोड़, तो 5 करोड़ से सीधा बढ़ के अभी की टाइम कितना चल रही है 75 करोड़, तो 2020 से ही बता देते हैं 40 करोड़, 45, 63 और 75 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं पहले कितना था 14, 17, 17, 17, 16, 16, तो एक ही डायरी में चलती हुई नजर आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करो, आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर की 15%, 5 साल में 13, 3 साल में 10 और 1 साल में 42%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 25% 10 साल में, 5 साल में 30% और 3 साल में 20%, 1 साल में 28%। CAGR भी बहुत ही बेहतरीन है, 10 साल में 51%, 5 साल में 53%, 3 साल की बात करते 144% और 1 साल में 158% का CAGR प्रोवाइड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है, 10 साल में 19%, 5 साल की बात करें तो 20% और 3 साल में 21% और लास्ट ईयर में 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है। तो अच्छा खासा सेल्स भी हो रहा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कर रही है और उसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिसेंट है और CAGR तो अवेलेबल होगा ही अच्छा खासा, क्योंकि जब सेल्स अच्छा होगा उसके साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा होगा तो डायरेक्टली आपको CAGR प्रोवाइड हो ही जाएगा। एनीवे, इसके बाद देख लीजिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या है, रिजर्व्स कितना है 336 करोड़ और बोरोइंग देख सकते हैं आप 19 करोड़ का बोरोइंग है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, आखिर में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं आप, प्रोमोटर के पास कितना है 66%, FI के पास कितना है 4.76%, उसके साथ ही साथ DI के पास कितना है 0.37% और पब्लिक के पास लगभग 23% और अदर्स के पास लगभग 5%, बोलते तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रही है, सभी के पास थोड़ा थोड़ा स्टेक मौजूद है। ठीक है, तो अच्छा खासा ग्रोइंग चल रही है, ये भी आपको पेयर कंपैरिजन के अंदर भी दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का। एक मिनट, पेयर कंपैरिजन में आ गया हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये भी सेक्टर कौन सा है, IT सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्री भी कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, मीडियम एंड स्मॉल के अंदर ही ये भी आते हैं, तो देख सकते हैं 8 नंबर पे ये कंपनी आती है। ठीक है, सबसे पहले डेट देख लीजिए, कंपैरिजन की बात करूँ तो डेट सबसे कम है 19 करोड़ का, इसके अलावा किसी का भी इतना, मतलब इतना कम डेट नहीं है, सबके पास ज़्यादा डेट है, इसके पास बहुत ही कम डेट नहीं करने को मिल रही है। OPM की बात करें तो इसका 15% है, उसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है ये। ROC की बात करें और ROE की बात करें तो अब देख सकते हैं डिसेंट है। ठीक है, उतना मतलब सबसे बढ़िया है ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब एक नंबर वाला जो कंपनी बताया सबसे ज़्यादा था ROC और ROE, तो ये डिसेंट है 26% और 21%। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो सब कुछ पैराग्राफ आपको दिखा दिया, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।